नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आखिरकार पंजाब के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, 2022 लग चुका है और 2000 के शुरुआत में ही यानी कि मार्च महीने में होने वाले है पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव। जिस तरीके से दिन निकल रहे हैं और जिस तरीके से मार्च का महीना करीब आ रहा है, उसी तरीके से आप सभी को बता दूं कि तमाम सरकार की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। दोस्तों, यहां पर मौजूद की सरकार कांग्रेस की है जो अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर मजबूती के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से पार्टी को बाय बाय बोला था, उस तरीके से पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा था। पर दोस्तों, यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से अपनी कुर्सी बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर दोस्तों उनको फिर भी कुर्सी नहीं मिल पाई थी और चरणजीत सिंह चैनी यहाँ के सीएम बन चुके थे। पर दोस्तों, आखिरकार आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पे वार की जा रही है और ये वार कहीं ना कहीं कांग्रेस को खलते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर पहले ही वार में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सिद्धू ने अपना वार्तालाप सलूक किया था, उस तरीके से पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमी महसूस हो रही है। और यहाँ पर अब आने वाले दिनों के अंदर क्या चरणजीत सिंह चैनी कांग्रेस को बचा पाएंगे पंजाब के अंदर या नहीं, दोस्तों तो देखने वाली बात है। पर दोस्तों, जनता सर्वे के मुताबिक किसकी सरकार बन सकती है यहाँ पर, दोस्तों आज के जिस जनता सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों ये सिर्फ कमेंट से लिया गया एक जनता सर्वे है। तो दोस्तों, आखिरकार हम उन्हीं कमेंटों के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास आई है और जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में। अगर कहा दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को यहाँ पर पछाड़ पाएगी, अपनी सरकार बना पाएगी पहली बार पंजाब के अंदर। पिछली बार लड़ी थी, 20 सीटें हासिल की थी और दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी थी। पर दोस्तों, कांग्रेस ने पिछली बार काफी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तो लगता है तो कि सरकार कांग्रेस इस बार झुकने वाली नहीं है। पर दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और अकाली के बीच में गठबंधन था वो अब नहीं रहा है और अकाली इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी भी अपने दम पर ही चुनाव लड़ रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पूरा सपोर्ट लगाए खड़े हैं। तो दोस्तों, बीजेपी को इस बार अमरिंदर सिंह की वजह से कितनी सीटें मिल सकती हैं आखिरकार, वो भी जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से टक्कर चल रही है, उस तरीके से देखने वाले हैं कि आखिरकार आज के इस जनता सर्वे के अंदर किसकी पलड़ा भारी है। पर दोस्तों, पूरा सपोर्ट कीजिएगा, आप भी इस वीडियो को जितने कमेंट हो सकते हैं, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं उतनी ज्यादा अपनी पार्टी को कमेंट करके बताइए हमें आप कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और आखिरकार किसकी सरकार आने वाली है पंजाब के अंदर। दोस्तों, चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द इस नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों, ऐसे में आपको आने वाले नए नए वीडियो के अपडेट और नए नए जनता सर्वे आपको इस चैनल के ऊपर प्राप्त होने वाले हैं। तो जाने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चल सके पूरे जनता सर्वे के बारे में। जानते हैं आगे अपडेट क्या है। दोस्तों, यहाँ पर लुधियाना की हम 14 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे 14 में से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 6, कांग्रेस को 5, बीजेपी के ऊपर 2 सीटें मिलेगी जबकि अकाली को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। साथ दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी जबकि यहाँ पर बीजेपी को 2, अकाली को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी और अदर पार्टी खाता में 0 सीट मिलेगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 25 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 11 सीटें तो कांग्रेस को यहाँ पर 7 सीटें, बीजेपी के यहाँ पर 4 तो अकाली को 3 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जालंधर की 9 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिलेगी जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1, अकाली को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 34 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 13, कांग्रेस को 12, बीजेपी को 5, अकाली को 3 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फाजिलगा की 4 सीटें और 4 में से यहाँ पर अकाली को यहाँ पर 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1, बीजेपी को 1, अकाली को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 38 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 15, कांग्रेस को 13, बीजेपी को 6, अकाली को 4 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मानसा की 3 सीटें और 3 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 0, बीजेपी को 0 और अकाली को यहाँ पर 1 सीट मिलेगी जबकि दोस्तों अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 41 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 17 सीटें तो बीजेपी को यहाँ पर 6, कांग्रेस को यहाँ पर 13 तो अकाली को यहाँ पर 5 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पटियाला की 8 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 तो कांग्रेस को भी 3, अकाली और बीजेपी को 1-1 सीट जबकि इधर पार्टी का 0 सीट है। पंजाब की यहाँ पर 49 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 20, कांग्रेस को 16, आम आदमी बीजेपी को यहाँ पर 7, अकाली को 6 और इधर पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूपनगर की 3 सीटों में 3 की 3 सीटें कांग्रेस हासिल करेगी जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली, बीजेपी सबको 0-0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 52 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 20, कांग्रेस को 19, बीजेपी को 7 और अकाली खाते में 6 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर संगरूर की 8 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4, कांग्रेस को यहाँ पर 2, बीजेपी को 1, अकाली को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 60 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 24, कांग्रेस को 21, बीजेपी को 8, अकाली को 7 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एसएस नगरी की 3 विधानसभा सीट और 3 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1, बीजेपी को 0, अकाली को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 63 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 26, कांग्रेस को यहाँ पर 22, बीजेपी
बीजेपी को 8, अकाली को 7 और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तरन तारण की 4 सीटों में से चारों पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 67 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 27, कांग्रेस को 23, बीजेपी को 9, अकाली को 8 और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बरनाला की 2 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अकाली को और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 69 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 28, कांग्रेस को यहाँ पर 23, बीजेपी को 10, अकाली को 8 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बठिंडा की 6 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 2-2 सीटें, जबकि यहाँ पर बीजेपी और अकाली को 1-1 सीट और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 75 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 30, कांग्रेस को यहाँ पर 25, बीजेपी को यहाँ पर 11, अकाली को 9 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फरीदकोट के यहाँ पर 3 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को 1-1 सीट मिल पा रही है, जबकि अकाली और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों पंजाब की 78 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 31, कांग्रेस को 26, बीजेपी को 12, अकाली को 9 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुक्तसर की 4 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, अकाली को 0 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 42 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 32, कांग्रेस को यहाँ पर 28, बीजेपी को 13, अकाली को 9 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नवानशहर की 3 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, अकाली को 0 उधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 75 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 32, कांग्रेस को यहाँ पर 30, बीजेपी को 14, अकाली को 9 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पठानकोट की दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें, 3 में से आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को 1, बीजेपी और अकाली को 0 तो उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 28 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 34, कांग्रेस को 31, बीजेपी को 14, अकाली को 9 उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोगा की 4 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस और बीजेपी को 0 और अकाली को 1 तो उधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 92 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 37, कांग्रेस को 31, बीजेपी को 14, अकाली को 10 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर गुरदासपुर की 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, अकाली को 0 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 99 सीटों में से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 41, कांग्रेस को यहाँ पर 33, बीजेपी को 15, अकाली को 10 और उधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिरोजपुर की 4 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, अकाली को 0 उधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 103 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 42, कांग्रेस को 35, बीजेपी को 16, अकाली को 10 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कपूरथला की 4 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 0 तो अकाली को 1 और उधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 107 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 44, कांग्रेस को 36, बीजेपी को 16, अकाली को 11 और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। होशियारपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 4, बीजेपी और अकाली को 1-1 जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 114 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 45, कांग्रेस को 40, बीजेपी को 17, अकाली को 12 और उधर पार्टी खाते में 0 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फतेहगढ़ साहिब की 3 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस बीजेपी और अकाली को 1-1 सीट मिल रही है, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ दोस्तों यहाँ पर हम पंजाब की 117 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर आने वाली पहली पार्टी है, जो कि 45 सीटें हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस ज्यादा दूर नहीं है, 41 सीटों पर दूसरे नंबर पर है। बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ सकती है कैप्टन अमद सिंह के सहारे पर 18 सीटों के साथ, जबकि अकाली खाते में 13 सीटें हैं, उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों आखिरकार किसकी बनेगी सरकार, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। दोस्तों इस समय आपको आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल। मिलते हैं अगले अपडेट।